चलिए सेशन नंबर 4 के रिकॉर्डिंग में स्टार्ट कर रहा हूं। यहाँ पर देखिए पंकज, 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 अरे बोल दिया करो। चलो आ जाओ। सुनिए सेशन 4 कर रहा हूं, तो सेशन 4 के लिए देखिए यहाँ पे मैं पहले कंपनी खोलता हूँ जिसमें हमने काम कर रहे थे। तो हमने एक सिद्धार्थ नाम का बनाया था। अब हो सकता है नाम इधर उधर हो जाए, तो मैं एक काम करता हूँ, टेली सेशन के नाम से चेंज कर देता हूँ, मतलब कंपनी के नाम बदल देता हूँ, उससे हमें थोड़ा इजी रहेगा याद करने के लिए। तो देखिए कंपनी का नाम बदलने के लिए ना यहाँ आइएगा कंपनी इन्फॉर्मेशन में, यानी ऑल्ट F3 करना आपको, और यहाँ पर ऑल्टर करेंगे, ऑल्टर पेश करेंगे यहाँ पर। देखिए तो ऑल्टर करेंगे तो ये कंपनी का नाम आ जाएगा और आप इसमें चेंज कर सकते हैं। तो मैं टेली सेशन कर देता हूँ कि सेशन हम कर रहे हैं टेली सेशन, और एंटर कर लेंगे हम, ठीक है। एंटर करके बाकी सब निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चेंज हो गया, टेली सेशन के नाम पे आ चुका। इसमें सेशन नंबर 3 तक हो चुका है, जिसकी मैं रिजल्ट दिखा देता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डिटेल्ड ओपन करेंगे तो 13,700 रुपये यहाँ दिख रहेगा नेट लॉस। तो इसका मतलब क्लियर है। अब मैं सेशन नंबर 4 चलता हूँ। सेशन नंबर 4 सुनिए, सेशन 4 बता देते हैं। ये सेशन 4 पूरी तरीके से परचेज की प्रोसीजर है, यानी खरीदारी कैसे की जाती है अब इसके बारे में बताया गया है। तो चलिए सेशन 4 को मैं यहाँ लिखता हूँ अलग से। ये सीट नंबर 4 है ना, सीट नंबर 5 में क्या था फंक्शन के, सीट नंबर 6 कर देता हूँ और टॉप में डालते हैं सेशन नंबर 4। सेशन 4 यहाँ देखिए, तो सेशन 4 स्टार्ट कर रहा हूँ। सेशन 4 का जो मकसद है वो है परचेज प्रोसीड्योर, यानी कि परचेज प्रोसीजर में यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। PURCHA परचेज प्रोसीजर। देखिए होता क्या है, जब आप परचेज करते हैं तो स्टेप वाइज मैं लिखता हूँ कि स्टेप 1 में क्या होता है। हम लोग यहाँ से प्लेस करते हैं PO, PO बोले तो परचेज ऑर्डर, यानी माल खरीदने के लिए मैं ऑर्डर देता हूँ। सबसे पहला काम हम ये करते हैं, क्योंकि होता क्या है बिजनेस में बल्क में खरीदा जाता है ना, 10,000 पीस, 50,000 पीस, लाख क्वांटिटी। अब लाख क्वांटिटी 50,000 पीस कहीं रखा नहीं रहता है बना हुआ, वो ऑर्डर पे ही बनवाने पड़ेंगे आपको। तो पहला काम है कि प्लेस करता हूँ परचेज ऑर्डर, पहला काम होता है। दूसरा काम होता है कि माल को रिसीव करना, यानी गुड्स रिसीव फ्रॉम चलान, चलान से माल रिसीव करते हैं। क्योंकि मान चलिए कि आपने 1,00,000 पीस का ऑर्डर दिया है, तो जरूरी नहीं है कि 1,00,000 पीस बन करके एक ही बार में आ जाएगा। जैसे जैसे बनता रहता है वहां से माल भेजते रहते हैं, जैसे 20,000 बना माल आया, 30,000 बना माल आया, तो 30,000 बना उसके हिसाब से आता रहता है। तो मैं गुड्स रिसीव करूंगा चलान के थ्रू, ये स्टेप नंबर 2 होता है। स्टेप 3 जो हमारा काम होता है वो है इनवॉइस रिसीव करना, यानी रिसीव्ड, सॉरी सॉरी सॉरी, रिसीव्ड RECD, रिसीव्ड इनवॉइस, यानी हम इनवॉइस रिसीव करते हैं, बिल रिसीव करते हैं। इसके बाद जो अगला काम हमारा है वो हो सकता है कि हम जो माल मेरे पास आ रखा है हम उसे रिटर्न भी कर सकते हैं, कि भाई मेरे को ये 4 सामान खराब समझ में आ रहा है, आपने भेज तो दिया लेकिन मुझे नहीं, मुझे पसंद नहीं है, ये 4 सामान खराब है वापस ले जाओ। तो मैं यहाँ से डेबिट नोट इश्यू कर सकता हूँ, यानी या ऐसा कर, ऐसा हम कर सकते हैं कि परचेज रिटर्न, परचेज, परचेज रिटर्न, रिटर्न एंड इशू डेबिट नोट, मतलब मैं यहां से माल रिटर्न करूंगा और डेबिट नोट इशू करूंगा। ये काम मेरा हो सकता है चौथा काम, अगर माल रिटर्न करना पड़ा तो। फिर जब फाइनल होगा कि भैया पैसे देने की बात है, तो मैं यहां से सेंड करूंगा फुल एंड फाइनल पेमेंट, फुल एंड फाइनल पेमेंट, यानी हम उसको पेमेंट कर देंगे। तो इस तरीके से किसी भी वेंडर के साथ हमारा लेन देन चलता है, कि हम पहले पीओ डालते हैं, परचेज ऑर्डर डालते हैं, इसके बाद माल रिसीव करते हैं चलान के माध्यम से, अगेन बिल हम रिसीव करते हैं उसके तरफ से, फिर डेबिट नोट इश्यू करता हूँ माल रिटर्न के अगेंस्ट में, फिर फुल एंड फाइनल अमाउंट पेमेंट कर देते हैं। तो इस तरह से चलता है। इन्हीं सब काम को
हम टैली के हिसाब से सेशन नंबर चार में सीखेंगे। तो पहला जो सीखेंगे वो प्लेस पीओ, यानी कंट्रोल सी करता हूं और यहां पर मैं कंट्रोल वी कर दिया, प्लेस पीओ। इसको दिखाते हैं जरा आपको। देखिए पहला काम वही है कि प्लेस अ परचेज ऑर्डर टू टीवीएस एंड कंपनी, एक वेंडर है हमारा टीवीएस एंड कंपनी, उसको मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ 15 पीसेस कीबोर्ड खरीदने के लिए। कीबोर्ड का जो ग्रुपिंग है या कैटेगरी है वो आपको दिया हुआ है, किसमें रखना है, गोडाउन दिया हुआ है, और इसके बाद ऑर्डर नंबर दिया हुआ है कि किस ऑर्डर, ऑर्डर जब देंगे तो ऑर्डर नंबर होगा ना, एक नंबर दो नंबर, तो वो ऑर्डर नंबर भी दिया हुआ है। तो इस काम को हम करेंगे। तो देखिएगा पहला जो स्टेप है कि प्लेस पीओ परचे ऑर्डर, ये पहला काम लिख देता हूँ यहाँ पे। अब इसको करने के लिए मुझे टैली में क्या क्या करना होगा इसको समझते हैं। पहले आपको F11 में जाना है और F2 में जाना है, यानी इन्वेंटरी ऑप्शंस में कुछ ऑन चीजें करनी है। क्या करना है बताता हूँ आपको। तो टैली खोलते हैं, देखिए F11 में जाना है और ये F2 के फीचर्स हैं इन्वेंटरी का। मैं उसको क्लिक करता हूँ, एंटर करता हूँ। इसमें आने के बाद आपको परचेज ऑर्डर की प्रोसेसिंग के लिए ऑप्शन यहाँ देखिए, एंटर करिएगा यहाँ पर एनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, उसको यस करिए, यानी पीओ हमने इसको यस कर दिया। पीओ यस करने के बाद आप एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, बस आप इसे निकल जाइए, आप इतना लेकर के इसे निकल जाइए। देखिए यहां से मैं आउट हो चुका हूं। तो ये ऑप्शन था परचेज ऑर्डर प्लेस करने का, वो हो चुका। इसके बाद जैसे ही वो हमने ऑप्शन ऑन किया था, देखिए ऑप्शन यहाँ बढ़ गया ऑर्डर परचेज। तो मैं लिखते भी जाता हूँ साथ साथ में। तो इन्वेंटरी वाउचर के अंदर जो देख रहे हैं पीओ जो है उसको ऑन करना पड़ा था, तो मैं पीओ को यस कर दे रहा हूँ। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो F11 F2 में जाकर के पीओ को मैंने यस कर दिया। इसके बाद जो अगले क्या हो गया भाई, कौन है, मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको। हेलो, आइए इसके बाद देखते हैं जरा क्या हुआ। मंजू जी बताइए क्या हो गया। आइए तो सबसे पहला काम था कि हमने F11 F2 में जाकर के पीओ को हमने यस कर दिया, और इसके बाद मुझे एक यहाँ पर ऑप्शंस बढ़ा मिलेगा, ऑर्डर वाउचर्स का बढ़ा मिलेगा। तो मुझे जाना है गेट ऑफ टैली में ऑर्डर वाउचर्स, तो GOT गेट ऑफ टैली, फिर आप जाइएगा ऑर्डर वाउचर, VOUCHER ऑर्डर वाउचर में जाइएगा। गेट ऑफ टैली में आइए, ऑर्डर वाउचर्स में आते हैं। देखिए मैं आ रहा हूँ वहाँ पर, जो ऑर्डर वाउचर में आएंगे तो यहाँ पर पहले डेट पूछेगा, तो एज पर द क्वेश्चन मैं डेट डालूंगा। देखिए डेट जो है वो 2 जुलाई का, बड़े ध्यान से आपको करना होगा सेशन नंबर चार, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो रिजल्ट नहीं आएगा। 2 जुलाई की डेट है, हम डेट डाल रहे हैं, देखिए 2 जुलाई, 2 जुलाई की डेट डाल दिया मैंने। डालने के बाद यहाँ पर पार्टी का नाम आएगा, हम डालेंगे यानी कि हमारा वेंडर का नाम जो कि टीवीएस एंड कंपनी है। यहाँ देखिए तो मैं बनाऊंगा ऑल्ट सी से टीवीएस एंड कंपनी, टीवीएस एंड कंपनी बना रहा हूँ। बनाने के बाद ये हमारा सेंट्रल क्रिएटर होता है, मैं उसको ले लिया, लेकर के निकल गया। तो ये देख लेते हैं कि ये है कहाँ का टीवीएस कंपनी। तो ये मैं लोकल GST आगे लिखा है, इसका मतलब है दिल्ली मान लीजिएगा, मतलब अपने स्टेट है मान लीजिएगा, तो टीवीएस कंपनी यहाँ पर दिल्ली हो गया, लेकर मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। देखिए निकलने के बाद एंटर 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 कर लेते हैं जो भी ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर ऑर्डर नंबर मांगेगा, ऑर्डर डाल देते हैं TVS ऑब्लिक ऑर्डर TVS ऑब्लिक 09-08-001 09-08-001 ये हमारा ऑर्डर नंबर हो गया। आइटम पूछ रहा है, स्पेस लगा के आइटम सर्च करेंगे कि हमारे पास है या नहीं है। तो ऑर्डर जो कर रहा हूँ मैं वो कीबोर्ड कर रहा हूँ, जो कि हमारे पास कीबोर्ड नहीं है, तो बनाना पड़ेगा ऑल्ट सी से कीबोर्ड, KEYBOARD कीबोर्ड। अब कीबोर्ड के बाद यहाँ ग्रुप वगैरह पूछ रहा है किस में रखना है, तो ग्रुप यहाँ पर डिफाइन की गई है, हार्डवेयर के अंदर रखना है, तो मैं रखता हूँ हार्डवेयर के अंदर। इसके बाद पूछता है कैटेगरी कहाँ रखना चाहते हो, तो कैटेगरी हमने रखा है इसको इनपुट आउटपुट। देखिएगा इनपुट आउटपुट मतलब बनाना ही पड़ेगा ऐसे इनपुट ऑब्लिक आउटपुट के नाम से, तो मैं बनाता हूँ इनपुट ऑब्लिक आउटपुट बना रहा हूँ। फिर एक इसको लेके मैं निकल चुका हूँ। इसके बाद पीसेस में आता है, सिंपल है, तो पीसेस डाल दिया, रेट ऑफ ड्यूटी को डालिए मत, एंटर कर लीजिए, यानी आइटम बन चुका। आइटम बनने के बाद ड्यू डेट आएगा, जो तो जंप कर जाना, एंटर कर जाना है। देखिए मैं जंप कर चुका हूँ, स्पेस लगाएंगे यहाँ पर गोडाउन के पास में, गोडाउन सेलेक्ट करेंगे, गोडाउन में आइए। तो गोडाउन हमने जो है नेहरू प्लेस में रखना है, जो माल हम ऑर्डर दे रहे हैं उसे हम रखेंगे नेहरू प्लेस के अंदर।
नेहरू प्लेस हम रख रहे हैं, और ऑर्डर जो मैं दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ 15 पीसेस का ऑर्डर दे रहा हूँ, तो 15 पीसेस ले लिया। रेट जब देखिए, जब हम जनरली ऑर्डर देते हैं तो रेट को मेंशन नहीं करते हैं, वजह क्या है बताते हैं। देखिए अगर आप किसी वेंडर के साथ लगातार परचेजिंग कर रहे हैं तो भाई एक ही रेट का माल सालों साल थोड़ा ना देगा, जिंदगी भर थोड़ी देगा। रेट का भाव कच्चा माल ऊपर नीचे होता रहता है, इसीलिए रेट छोड़ दीजिए उसके ऊपर। हाँ कभी आपको महंगा लगता हो कि भैया ज्यादा रेट लगा दिया है तो फिर आप बात करना, तो आप जिंदगी भर सोचेंगे कि उसी रेट पे हम माल खरीदते रहे उससे, तो पॉसिबल नहीं है। हाँ लेकिन शुरू शुरू वाला में कर सकते हैं, जैसे स्टार्टिंग में ही हमारा ऑर्डर दे रहे हैं तो पहले से बात तय तमन्ना होगी कि 15 में देना है या 16 में देना है, तो वो आप डाल सकते हो। तो डालना होगा तो डाल दीजिएगा, जैसे मान लीजिए 16 रुपये डालना डाल दीजिए, 19 रुपये डालना डाल दीजिए। बट जनरली यहाँ पर लगातार अगर हम बाय करते हैं किसी से, परचेज करते हैं, तो वहां पर हम जनरली नहीं डालते हैं, तो हम इसको बिना अमाउंट का यहाँ पर हम निकल चुके हैं। देखिए यानी बिना किसी रेट का डाले हुए निकल चुके हैं, जनरली ऑर्डर में नहीं आता है, तो मैं निकल चुका हूँ। निकलने के बाद यहाँ पर एक ब्लैंक पूछेगा जिसमें हमें बनाना है परचेज, तो ऑल्ट प्लस सी से हम बनाएंगे परचेज। हालांकि लोकल परचेज है तो लोकल परचेज यहाँ पर मैं बना देता हूँ। देखिए लोकल परचेज अंडर द परचेज करके बना दिया, अभी तक कोई जीएसटी का मैटर नहीं आया, जीएसटी का मैटर आएगा देखा जाएगा। अभी मुझे पता भी नहीं है ऑर्डर देते समय कि वो जीएसटी लगाएगा या नहीं लगाएगा, इसलिए मैं जीएसटी का ऑप्शन को ऑन नहीं किया, जब लगाएगा देखा जाएगा। एंटर कर लेंगे, एंटर कर लेंगे। अब एक चीज बहुत नुकसान देगा हमेशा, ये जो कॉस्ट सेंटर है ना पीछा नहीं छोड़ेगा। कॉस्ट सेंटर ऑप्शंस ऑन कर दिया है मैंने, वहां से फीचर्स ऑन कर दिए हैं, तो बार बार हर लेजर में आता रहेगा। आप सोचोगे चलो बंद कर देता हूँ इसको, देखिए बंद कर सकते हैं। F11 में जाइए, F1 में जाकर के जहां से ऑप्शन ऑन किया था, याद होगा आपने मेंटेन कॉस्ट सेंटर यहाँ से ऑन किया था, अब जाएंगे ना वहां पर जाएगा ही नहीं कर्सर, देखो जंप कर जा रहा है। मैं बार बार एंटर कर रहा हूँ बट वहां नहीं पहुंच रहा है, वजह क्या है? कॉस्ट सेंटर अगर इस्तेमाल हो जाता है एक बार तो आपको नो नहीं कर सकते हैं, या तो पूरी एंट्री खत्म करनी पड़ेगी जिसमें कॉस्ट सेंटर लगा हुआ था, फिर कॉस्ट सेंटर का सेटिंग खत्म करना पड़ेगा, यानी पहले एंट्री खत्म करो फिर कॉस्ट सेंटर की सेटिंग खत्म करो तब जाके खत्म होगा। तो मतलब आप F11 से F1 से प्रयास करने पे विफल रहेंगे, बेकार है, बाहर निकल जाइए। आपको यहीं पर नो कर दीजिए, यहीं पर नो कर दीजिए, क्या करिए, परेशानी अब रहेगी। जितने बनाएंगे लेजर समय कॉस्ट सेंटर यस 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 होता रहेगा, तो आपको बार बार नो करना है, इसको ध्यान रखेंगे। मैं निकल चुका हूँ, निकलने के बाद यहाँ पर फिर अमाउंट पूछ रहे हैं, अरे भाई अमाउंट डालना नहीं है मुझे तो पता ही है, तो आप इसको लेकर के निकल जाइए, निकल जाइए, निकल जाइए, निकल जाइए। जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पर एक मैसेज देगा, नो एंट्रीज इन वाउचर्स। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए पूछ रहा है, अमाउंट नहीं डाला है ना, कुछ भी रकम नहीं डाली, एक रुपया भी नहीं डाला, तो वो मना कर रहा है कि मैं बाहर नहीं आऊंगा। अच्छा बार बार प्रयास करते हैं, हो सकता है कि दो चार बार करने पर थक जाइए और अपने आप कहे कि चल ठीक बाहर आते हैं, ऐसा देखता हूँ करके, ओहो नहीं आया। तो इसमें टैली में एक ऑप्शन दिया हुआ है कि बिना अमाउंट का अगर आप एंट्री करना चाहते हो बिना अमाउंट का, तो उसके लिए F11 के फीचर्स में जाकर के और F1 वाले फीचर्स देख रहे हैं यहाँ पर, वहां चले जाइएगा यहाँ पे, और आपको ढूंढना है जीरो रेटेड वैल्यू। यहाँ देखिए मिलेगा एनेबल जीरो रेटेड वैल्यू ट्रांजेक्शन, यहाँ आइए यहाँ पर, यहाँ पर इस जगह पर, यानी मैं एंटर एंटर करके निकल रहा हूँ, देखिए यहाँ पर, यहाँ आइए, आपको मिलेगा एनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, यानी जीरो अमाउंट के ट्रांजेक्शन को करना है, यस करिए। अगर आप इसे F2 में भी देखेंगे ना, F2 में भी चेक करेंगे, F2 में तो टॉप में ही दिखेगा, देखिए यही दिख रहा है, आप कहीं भी ऑन कर लो वो ऑन हो जाएगा। मैंने वहां ऑन कर दिया, ऑन ऑन है, कोई बात नहीं, आप इसे कंट्रोल ए कर लीजिए। देखिए अगर आप फिर से चेक करेंगे F11 F1 में, देखिए F1 में जाकर के यहाँ पर ऑन है, नहीं ऑन हुआ नहीं, हमने ऑन किया ही नहीं है, ऑन करता हूं मैं, देखिए इसको ऑन कर दिया मैंने, ठीक है। F2 में आएंगे तो F2 में भी ऑटोमेटिक दिखाएगा कि ऑन है, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी ऑन है, यानी आप कहीं भी किसी जगह पे करें तो चलेगा, ऐसा नहीं है कि दोनों में से दोनों जगह करना पड़ेगा। तो हमने एनेबल जीरो वैल्यू को हमने यस कर दिया। अब आप बिना अमाउंट का भी एंट्री पास करेंगे तो ले लेगा, देखिए जरा डन, आराम से देखिए ले लिया, मतलब बिना अमाउंट का एंट्री पास करने के लिए आपको जीरो वैल्यू को ऑन करना पड़ेगा। तो मैंने गेट ऑफ टैली में गए, ऑर्डर वाउचर में गए, इसके बाद हमने F11 में जाकर के F1 या F2 में आपको जीरो वैल्यू को भी यस करना है। हमें शॉर्ट में लिख रहे हैं, बाकी तो वीडियो बनी रहे, आप उसमें से चेक कर सकते हैं। तो जीरो वैल्यू को आप यस करेंगे, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शंस को हाईलाइट, तीन ऑप्शंस को यूज करके आप ऑर्डर दे सकते हैं। तो जैसा मैंने ऑर्डर दे दिया,
अब सोचिए दिन भर में ऐसे कई आइटम का ऑर्डर जाता रहेगा, कभी कीबोर्ड है, कभी माउस है, कभी ये है, कभी वो है। अब आपका बॉस पूछ बैठा कि भाई ऑर्डर जो दिए हो किसका ऑर्डर दिया यार, या इस चीज का ऑर्डर बताओ या इस चीज का ऑर्डर बताओ, याद थोड़ी रहेगा कि मैंने सुबह कौन सा ऑर्डर दिया। 2 दिन बाद अगर पूछा तो क्या। तो इसीलिए रिपोर्टिंग पे ध्यान दीजिए। आपका बॉस, आपका सीनियर कभी ये नहीं पूछेगा कि आपने ऑर्डर का एंट्री पास कर दिया, बोला हाँ कर दिया, बस खुश हो जाएगा। नहीं, आपसे रिपोर्ट मांगेगा, रिपोर्ट टाइमली निकाल के देना है और सही रिपोर्ट निकाल के देना है। यानी पीओ की रिपोर्ट बताता हूँ। अब ये जो काम हुआ है, रिजल्ट क्या है इसका, रिपोर्ट क्या बनेगा, रिपोर्ट जरा देखते हैं। मैं बाहर निकलता हूँ यहाँ पर, और रिपोर्ट रिपोर्ट देखने के लिए आप डिस्प्ले में आइए। यहाँ पर डिस्प्ले में आने के बाद यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं, ट्रायल बैलेंस, डे बुक वगैरह देख रहे हैं। इसमें स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री मिलेगा, यहाँ देख सकते, यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि आपको डिस्प्ले में, डिस्प्ले के अंदर आप जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, शॉर्ट में लिख रहा हूँ SOI, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री जाएंगे तो यहाँ देखिएगा परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। तो मैं डालता हूँ PO आउटस्टैंडिंग, शॉर्ट में डाल रहा हूँ ताकि आप भी शॉर्ट में समझिए, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, जाता हूँ अंदर। जाने के बाद कई ऑप्शन आएंगे, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, बट आपको रिपोर्ट यहाँ देखना है ऑल ऑर्डर्स में जाकर के। जब ऑल ऑर्डर्स में, यानी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर ऑल ऑर्डर्स में, जाइए। जैसे ही यहाँ पर जाएंगे ऑल ऑर्डर्स में एंटर करेंगे तो आपको ये दिखा देगा कि भाई साहब आपने 2 जुलाई को TBS 090-01 के नाम से ऑर्डर प्लेस किया, कीबोर्ड का आइटम प्लेस किया, टीवीएस कंपनी को प्लेस किया, 15 क्वांटिटी आपने प्लेस किया जिसमें बैलेंस 15 क्वांटिटी गया हुआ है, कोई आया ही नहीं है। मतलब उधर से अगर माल आएगा तो ऑटोमेटिकली ये कम होता चला जाएगा, और जब पूरा का पूरा माल आ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये मैं आपको शो करवाया कि अगर जितने भी ऑर्डर आप देंगे, परचेज ऑर्डर देंगे यहाँ पर, उनका सबका रिपोर्ट यहाँ पर बनता रहता है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ स्केप की दवा करके, कि डिस्प्ले माना है, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री माना है, देन आपको परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग माना है, देखिए यहाँ पर यह लिखा हुआ है, एंटर करिएगा, देन ऑल ऑर्डर्स माना है और आपको रिपोर्ट निकल जाएगा। डिटेल खोलना चाहते हैं, इसके अंदर की बात खोलना चाहते हैं, जब डिटेल ऑल टेबल क्लिक कर दीजिए तो थोड़ा डिटेल खुल जाएगा, थोड़ा बहुत जो भी होता है डिटेल अंदर आ जाएगा। दैट्स ऑल। तब पहला काम तो मेरा हो गया, यानी ऑर्डर देने का काम मेरा हो गया। अब दूसरा कहता है कि 10 पीस कीबोर्ड रिसीव, 10 पीसेस कीबोर्ड फ्रॉम टीवेशन कंपनी। मतलब 15 का ऑर्डर दिया था लेकिन उधर से 10 पीस ही कीबोर्ड बनाकर उसने भेज रहा है, मतलब बनाएगा, अब टाइम लग रहा होगा हो सकता है, तो 10 पीस बना होगा, भेज दिया उसने। भेजा तो उस ऑर्डर आईडी का, जो ऑर्डर आईडी हमने दिया था उसी का माल भेजा 1 अगस्त 20 को, मतलब 2 जुलाई को हमने ऑर्डर दिए और कुछ दिन बाद उसने माल भेज दिया। मैंने कहा था कि जब माल भेजेगा तो चलान के माध्यम से माल आएगा, तो चलान बनाकर उसने दिया है, चलान नंबर TBS 001, और उसको मैंने नेहरू प्लेस में गोडाउन में रख लिया, जैसे नेहरू प्लेस में रखना था मैं रख लूंगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस स्टेप पे, आइए, कि मैंने लिखा था कि जब ऑर्डर प्लेस करते हैं, पहला काम हमें ऑर्डर प्लेस करना होता है, फिर दूसरा काम होता है कि चलान के माध्यम से हमें से माल लेना होता है। तो स्टेप नंबर 2 हम फॉलो कर रहे हैं, यानी सेकेंड आइए, यानी मैं इसको लिखता हूँ, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम द चलान, देखिए मतलब माल मैं चलान से रिसीव कर रहा हूँ। अब देखिए माल रिसीव करने के लिए भी टैली के अंदर कुछ ऑप्शंस को हाईलाइट करना पड़ेगा। F11 में F2 में जाइएगा और डिलीवरी नोट, या इसको बोलते हैं, देखिए दो आते हैं, ट्रैकिंग बोलते हैं उसको, ट्रैकिंग नंबर, ट्रैकिंग नंबर को आपको यस करना पड़ेगा, YS, यस कर देता हूँ या Y लिख देता हूँ, काफी है। देखिए F11 के F2 में जाना पड़ेगा, तो पहले ऑप्शंस में जा रहा हूँ, बाहर निकल जाइए अच्छे तरीके से, गेट ऑफ टैली में आ जाइए, F11 में जाइए, F2 में जाइए, यानी इन्वेंट्री फीचर्स में जाइए, और यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर्स मिलेंगे, ट्रैकिंग नंबर्स, और ट्रैकिंग नंबर्स कुछ है नहीं, GST में भी इस्तेमाल किया था मैंने, वो डिलीवरी नोट और रिसिप्ट नोट, माल भेजने का और माल लेने के लिए चलान जो है वो ऑन करना पड़ता है, उसको बोला जाता है ट्रैकिंग नंबर, यूज ट्रैकिंग नंबर।
सर आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो सर आवाज नहीं आ रही। ठीक 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 ओह ठीक 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 वो म्यूट हो गया था। चलो ठीक है, फिर से मैं यहाँ बताता हूँ। यहाँ आइए, आइए सुनिए, यहाँ पर आइए। मैं यहाँ बताया कि सेकंड नंबर पॉइंट यानी गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम चलान की तरफ मैं यहाँ पर ले चल रहा हूँ कि चलान से माल कैसे आता है। तो मैं फिलहाल अभी सबको म्यूट कर दे रहा हूँ, आवाज आ रही है इससे। मंजू जी कुछ हो रहा है क्या आपके यहाँ? चलिए मैं म्यूट कर दिया यहाँ पर, मैं तो म्यूट नहीं हुआ। ठीक है, तो हाँ पहला पॉइंट तो क्लियर था। सेकंड पॉइंट को रिवाइज करता हूँ मैं यहाँ पर। सेकंड पॉइंट हमने बोला था कि जो चलान है, चलान से माल लेना है, तो देखिए यहाँ पर कि सेकंड पॉइंट गुड्स रिसीव फ्रॉम चलान से कैसे लेते हैं। तो पहले A11 में जाकर के F2 में जाकर के ट्रैकिंग नंबर को यस करना है। तो मैं यहाँ पर यहाँ जा रहा हूँ F11 के F2 में जाकर के ट्रैकिंग नंबर को यहाँ पर मैं यस कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर को मैं यस कर रहा हूँ, तो जिससे क्या हो रहा है यहाँ पे कि ऑप्शन ऑन हो जाते हैं। इसके बाद मुझे गेट ऑफ टैली में आना है, इन्वेंट्री वाउचर्स के अंदर जाना है। तो मैं लिखते भी चला जाता हूँ, तो गेट ऑफ टैली में आ रहा हूँ, इन्वेंट्री वाउचर्स के अंदर जा रहा हूँ। गेट ऑफ टैली है, इन्वेंट्री वाउचर्स के अंदर जा रहा हूँ। डेट बदल रहे हैं, डेट ऑलरेडी देख लेते हैं इसमें क्या डेट डाला हुआ है। 1 अगस्त की डेट है, तो देखिएगा मैं डालता हूँ 1 अगस्त। 1 अगस्त ऑलरेडी डाला हुआ है, तो एस्केप दबा सकते हैं। इसके बाद आपको रिसिप्ट नोट आना है। रिसिप्ट नोट का मतलब माल लेने को बोलते हैं रिसिप्ट नोट। तो रिसिप्ट नोट के लिए ऑल्ट F9 आपको प्रेस करना है, तो मैं ऑल्ट F9 प्रेस कर दिया। यहाँ देखिए रिसिप्ट नोट है यहाँ पर। अब सुनिए, अब क्या करना है, जो उधर से माल आ रहा है, माल तो उधर से आ रहा है मेरे पास, तो उधर से आने वाले जो बिल नंबर होता है या चलान नंबर होता है, मतलब जो डॉक्यूमेंट नंबर होते हैं जो दूसरे पार्टी से आता है, उसको लिखते हैं रेफरेंस में। और जो मैं यहां से भेजता हूं, मेरे यहां से जो जाता है, उसको लिखते हैं नंबर पे। इसको ध्यान रखिएगा, हमारे यहां से जाएगा वो लिखे जाएंगे नंबर पे, और जो बाहर से आएगा वो लिखे जाएंगे रेफरेंस नंबर पे। तो यहां माल उधर से आ रहा है और चलान नंबर भी उधर ही से आ रहा है, तो मैं वो चलान नंबर वहां लिखता हूं। तो चलान नंबर देखिए यहाँ पर, चलान नंबर ये वाला है। क्योंकि कॉपी पेस्ट की सुविधा है इसके अंदर, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी करके अल्ट कंट्रोल बी पेस्ट कर दिया। देखिए तो TVS CH001 आपको उठाना है। पार्टी तो देख ही रहे, TVS कंपनी को आपने ऑर्डर दिया था, तो उसी से माल आ रहा है। फिर इस तरह की बातें आएंगी, एक विंडो खुलेगा। आप चाहो तो इस विंडो को बंद भी कर सकते हो। वो कैसे बंद होगा, तो F12 पेस्ट प्रेस करिएगा, F12, और जो दिस सप्लीमेंट्री डिटेल्स का ऑप्शन होता है यस करने के लिए यहाँ पर, उसको नो कर देना। तो जो एक्स्ट्रा आलतू फालतू विंडो है ना, वो नहीं खुलेगा। तो मैं चाहता हूँ बंद ही हो जाने के लिए, मैंने बंद कर दिया। बंद करने के बाद सीधा आइटम पे आ जाइए। आइटम आइएगा तो आइटम कीबोर्ड है, सिंपल सी बात है। अभी आइटम 0 है, देख रहे हैं। फिर यहाँ पर आएगा ट्रैकिंग नंबर। ट्रैकिंग नंबर मतलब चलान नंबर जिसके माध्यम से माल आया है। तो ट्रैकिंग नंबर आपको उठाना है TVS CH001, क्योंकि उसी के माध्यम से माल आया है। देखिए जरा CH001 के नाम से माल आया है। तो आप इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पूछता है ऑर्डर नंबर कि किस ऑर्डर का माल आया है। अरे भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि उस वेंडर को हमने 2 ऑर्डर दिए होंगे, 3 ऑर्डर दिए होंगे, तो किस ऑर्डर का माल आ रहा है ये चलान में मेंशन होता है। तो चलान के अंदर देखिएगा TVS 90908 वाली माल है, ऑर्डर वाली, तो मुझे उसी ऑर्डर का माल यहाँ से भी उठाना है ताकि कम हो जाए। तो ऑर्डर उठाना है, ऑर्डर उठा करके आपको जितना पीसेस माल आया है वो डाल दीजिए। 10 पीस माल आया, देखिए 10 पीसेस माल आया है, तो यहाँ पर 10 डाल दीजिए। 10 डालने के बाद निकल जाइए। जब चलान आता है तो भी उधर से एक एस्टिमेटेड वैल्यू लिख कर आ जाती है। एस्टिमेटेड होता है, एक्चुअल तो होता नहीं है, इसलिए हम तो यहाँ एंट्री पर पास करेंगे एक्चुअल से, इसलिए यहाँ पर कोई वैल्यू मत डालिए। बिना वैल्यू डाले हुए भी निकल सकते हैं, तो मैंने बिना वैल्यू डाले हुए यहाँ पर निकल चुका हूँ। देखिए बस एंटर कर लिया। अब हुआ क्या है सुनिए, 15 पीस ऑर्डर गया था, 10 पीस माल आ गया, इसका मतलब है अब सिर्फ 5 पीस आना है। इनकी रिपोर्टिंग देखता हूँ कि कहाँ कहाँ पर हो रहा है। डिस्प्ले में जा करके स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में जा रहा हूँ मैं, और यहाँ पर परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग देख रहे हैं। मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, देखिएगा परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। यहाँ पर जब जाएंगे यहाँ पर ऑल ऑर्डर्स चेक करिए, यहाँ पर ऑल ऑर्डर्स, तो देख रहे हैं यहाँ पर
15 पीस के जो ऑर्डर था क्वांटिटी गई थी, अब हमारे पास बैलेंस सिर्फ 5 रहा। इसका मतलब यह है कि 10 पीसेस जो देख रहे हैं वो हमारे माल आ चुका है। डिटेल खोलेंगे ना तो पता चलेगा कि 15 में से 10 माइनस हो गया, मतलब आ चुका है मेरे पास, तो बैलेंस अब ऑर्डर 5 ही रहा है। तो ये पहले बात तो हम लिख देते हैं, ये जो ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट भी साथ साथ हम लिखते चला जाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो गेट ऑफ टैली इन्वेंट्री वाउचर्स, और यहां पर मैं लिखता हूँ रिसिप्ट नोट, रिसिप्ट नोट। बाकी देखो आपको करने में दिक्कत आएगी, वीडियो देखकर आप करना, क्योंकि सेशन नंबर 4 थोड़ा टफ होता है, बहुत घूम फिर के होता है, लेकिन आप वीडियो देखेंगे तो 100% आपका करेक्शन हो जाएगा। चलिए एंटर कर लेते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर रिपोर्ट लिखता हूँ, रिपोर्ट मेन रिपोर्ट का खेल है। पहली बात रिपोर्ट में इसको कॉपी करता हूँ, देखो सबसे पहले रिपोर्ट तो यही देखना है ना कि भाई परचेज ऑर्डर जो गया था वो कम हुआ कि नहीं हुआ, तो कम हो गया। दूसरा जो ऑर्डर है बता देते हैं कहाँ से देखना है आपको, जो माल आया है उसका बिल नहीं आया है, तो स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में ही परचेज बिल पेंडिंग वाला में एक जगह बनाएगा, बिल पेंडिंग में आएगा, तो इसको एंटर करिएगा। तो यहाँ पर शो करेगा कि भाई 10 पीस का बिल आना बाकी है, यानी परचेज बिल पेंडिंग आना बाकी है, बिल आना बाकी है, बस इतना ही शो करेगा। जैसे बिल आ जाएगा तो ये यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो ये सिक्वेंस है, पहले ऑर्डर में आता है, ऑर्डर से माल आएगा मेरे पास तो परचेज बिल पेंडिंग दिखाएगा, जब मेरे पास बिल आ जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो सिक्वेंस दिखाऊंगा मैं अभी, तो पहले इसको देख लेते हैं, यानी परचेज बिल पेंडिंग। तो यहाँ पर परचेज बिल पेंडिंग देखिए, यानी मैं बाहर आ रहा हूँ डिस्प्ले के अंदर, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री के अंदर, और यहाँ आइएगा परचेज बिल पेंडिंग देख रहे हैं आप, इस पर क्लिक करिएगा तो आपको दिख जाएगा आपको, ठीक है ना। एंटर कर लेते हैं। एंटर करने के बाद रिपोर्टिंग, दो रिपोर्टिंग देखने को था वो मैंने आपको दिखा दिया। अब तीसरी बात है, देखते हैं कि क्या हो रहा है। तीसरी बात है, इसमें ये दिखा रहा है कि रिसीव्ड अनदर चलान, मतलब दूसरा चलान रिसीव कर रहा हूं मैं अगेंस्ट इट ऑर्डर नंबर समथिंग, यानी जो पहला ऑर्डर था उसमें कम हो गया था ना। रेस्ट गुड्स मतलब 5 क्वांटिटी, 10 तो मेरे पास आ गया, बचे 5, तो 5 जो है चलान नंबर 2 के माध्यम से भेजा गया है 2820 को। सारे रिपीट भाई जितने भी होंगे यहाँ पर 2 नंबर और 3 नंबर के लिए अगर हम बात करें तो दोनों के लिए एक ही होगा ना, स्टेप स्टेप तो अलग होंगे नहीं, तो सेम स्टेप तो फॉलो कर ही रहा हूँ। सिंपल आपको टैली में जाना है और बाकी बचे हुए जो 5 पीस है उसको लेने के लिए, तो F11 में जाकर के F2 में जाकर कोई फायदा तो है नहीं, वो तो ऑलरेडी ऑन है, उसको क्या करना, वो तो ऑलरेडी एक बार ऑन हो गया तो हो गया। इसके बाद इन्वेंट्री वाउचर के अंदर जाइए सीधे तौर पे और डेट बदल दीजिए, तो मैं डेट बदल देता हूँ 2 अगस्त। रिसिप्ट नोट लगाना है माल लेने के लिए, लगा दिया, और ऑल्ट कंट्रोल वी, अच्छा वो नहीं पेस्ट हो रहा है तो पेस्ट करता हूँ मैं। ये चलान नंबर देखिए दूसरा है, देखिए ले लिया, पार्टी तो टीवेशन कंपनी है, आइटम कीबोर्ड है, देखिए कीबोर्ड देने से देखिए 10 पीस हमारे आइटम बढ़ चुका है स्टॉक में, कीबोर्ड है, चलान नंबर ट्रैकिंग नंबर दूसरा, ट्रैकिंग नंबर चलान नंबर हो गया, ऑर्डर नंबर ये देखिए इसका 5 पीस पड़ा हुआ ऑर्डर, वो उठाऊंगा 5 पीस बिना अमाउंट का लेकर के मैं निकल जाऊंगा, दैट्स ऑल, खत्म कहानी। अब इतना होने के बाद क्या आएगा रिपोर्टिंग में, रिपोर्टिंग दिखाता हूँ, डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, इसके बाद परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग जिसके अंदर 0 हो गया होगा, ऑल ऑर्डर्स देखिए ब्लैंक हो गया, ब्लैंक मतलब 15 पीस का ऑर्डर दिया था, पहले 10 पीस आया फिर 5 पीस आया, खेल खत्म, वापस आते हैं। इसके बाद परचेज बिल पेंडिंग में आइए, तो यहाँ पर 15 पीस का दिखाना चाहिए, देखिए 1 अगस्त की 10 पीस माल तो आ चुका है लेकिन बिल नहीं आया है, 2 अगस्त में माल तो आ चुका है लेकिन बिल नहीं आया है, तो मतलब बिल पेंडिंग है, इसका रिपोर्टिंग है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे रिपोर्टिंग तैयार हो रहा है, और इसी रिपोर्टिंग को हमें प्रिंट करके या एक्सपोर्ट करके अपने ओनर को सीनियर को देना होता है। तो रिपोर्ट को मेन खास ध्यान रखना, कंठस्थ याद कर लेना कि फलाना चीज फलाना फलाना जगह पे जाता है। अब एक बात और ध्यान में रखिए, मान के चलिए कि आपसे पूछता है कि यार जो टीवीएस का ऑर्डर दिया था कीबोर्ड वाली वो उसका क्या हुआ, तो आप बोलोगे सर एक मिनट मुझे याद नहीं है, देखता हूँ बताता हूँ, डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग ऑल ऑर्डर्स में जाएंगे, अब ब्लैंक देखेगा, बोले सर कोई ऑर्डर तो नहीं है,
यहाँ पर, अरे भाई ऑर्डर नहीं है, हो सकता है गलती हुआ होगा, उसको बताओ, शो करवाओ कि बाकी में जीरो हो गया, तो यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो आपको करना क्या है, F12 प्रेस करना है, F12। जब जैसे F12 प्रेस करेंगे इस जगह पे, तो यहाँ पर दिखाएगा, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, यहाँ पर शो क्लियर्ड परचेज ऑर्डर पे आ जाइए, यहाँ आ जाइए, देखिए शो क्लियर्ड परचेज ऑर्डर, यानी जो परचेज ऑर्डर क्लियर हो चुका है उसको दिखाओ। एंटर करेंगे, जब आप एंटर करेंगे तो आपको दिखा देगा, देखो यहाँ पर डिटेल खोल देता हूँ, डिटेल यहाँ ऑल्टरबन में दिखा दिया कि 15 पीस का ऑर्डर गया था, उसके अगेंस्ट में पहले 10 पीस आया, फिर 5 पीस आया, तो बैलेंस क्वांटिटी जीरो हो गया, जीरो। अब देख रहे हैं, इस तरीके से रिपोर्ट आपको देना है, ठीक है, ऐसा नहीं बोलना है कि हाँ जी सर जीरो हो गया, आप रिपोर्ट निकाल के दे दीजिए। तो आपने देखा कि अभी तीन एंट्री हमने करी, यानी तीन ट्रांजेक्शन को पुटअप करा, सेटिंग करी, इसको आप एंट्री नहीं कहेंगे, परचेज ऑर्डर प्लेस करना एंट्री नहीं होता है, माल लेना एंट्री नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि एंट्री का मतलब है डेबिट और क्रेडिट, तो डेबिट क्रेडिट हुआ नहीं है। अगर डेबिट क्रेडिट हुआ होता तो सोचिए आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में भी दिखता, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बैलेंस शीट में जब आएंगे तो देखिएगा किसी प्रकार का परचेज यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अगर ट्रांजेक्शन होता, एंट्री होता तो पक्का आता, मतलब नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब एंट्री नहीं होती है, ये जस्ट रिकॉर्डिंग हो रहा है जो हम कर रहे हैं। अब आइए चार नंबर पे, देखिए चार नंबर पे अगली स्टेप हुआ, स्टेप में क्या हुआ, रिसीव्ड एन इनवाइस अगेंस्ट चलान नंबर टीवीएस 001 एंड 002, मतलब बिल आया हमारे पास वेंडर से, मेरे पास बिल आया, किसके अगेंस्ट में, वो जो दो चलान आए थे उनका बिल आ चुका मेरे पास, उन्होंने रेट डाला है 750 रुपए का कीबोर्ड का, उसके साथ एक्सक्लूडिंग यानी अलग से GST लगा के दिया है 12%। तो 12% GST का मतलब समझ रहे हैं, CGST 6% और SGST 6% उन्होंने लगा के दिया है। ये 1/9/20 को दिया है, सितंबर, यानी कि हमारे माल तो आ गया था 2 अगस्त को, लेकिन उन्होंने कुछ समय बाद मेरे को बिल दिया 1/9 की, कोई बात नहीं, बिल नंबर ये है। अब इसमें क्या है कि एक तो GST ऑन करना पड़ेगा मेरे को, तो मैं पहले GST ऑन करता हूँ, क्योंकि पहले GST पता ही नहीं था मेरे को, तो मैं अगला स्टेप लिखता हूँ पहले। देखिए स्टेप नंबर 3 है रिसीव्ड इनवाइस, तो मैं इनवाइस को रिसीव कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए जब हम रिसीव्ड इनवाइस करेंगे, ये पॉइंट नंबर चल रहा है 4 नंबर, देखिए यहाँ पे ये पहले 1 नंबर का था, ये 2 और 3 का एक ही हुआ स्टेप, और 4 का स्टेप मैं बता रहा हूँ पर। तो पहले तो आपको A11 में जाना है, F3 में जाना है, और GST को यस करना है। तो आपको मालूम है कहाँ से जाते हैं, सबसे पहले टैली में जा रहा हूँ, F11 में जा रहा हूँ, और स्टेटरी F3 में जा रहा हूँ, F3 लिखा ना, हाँ ठीक है, टैक्सेशन में जा रहा हूँ, और GST को यस कर दे रहा हूँ। देखिए और आपको GST नंबर भी डाल दीजिए, एक अच्छा रहेगा, तो एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ AYGPS66689Q103। तो आप GST नंबर जानती होंगे, ऐसा इसमें मेरे हिसाब से कोई भी नहीं है, 7 लोग हैं आप लोग जो GST के बारे में ABCD नहीं जानते हैं, देख लेता हूँ, सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना, तो ऐसा कोई नया तो है नहीं यहाँ पर। तो मैं एंटर कर लिया, एंटर करने के बाद यहाँ पर निकल चुका हूँ, देखिए आइए, तो GST को मैंने ऑन कर लिया, और मैंने लिख भी दिया है कि A11 F3 में आके GST को यस करना है, और डिटेल्स को भी यस करना है, इसको भी आप ध्यान रखिए, एंड डिटेल्स भी यस करना है, तो लगे हाथों तो करना ही पड़ता है वो तो। इसके बाद देखिए जब ऐसा कर लेंगे तो आपको अकाउंटिंग वाउचर के अंदर आना है और दबाना है F9, तो मतलब अकाउंटिंग वाउचर माना है और आपको F9 दबाना है, F9 बोले तो परचेज में एंट्री करनी है। तो देख रहे हैं जैसे परचेज हो गया, अब इसको एंट्री करते हैं सिंपल तरीके से। परचेज में सबसे पहले पूछ रहा है सप्लायर का इनवाइस नंबर, बिल नंबर, तो बिल नंबर डाल देता हूं मैं, और बिल नंबर से पहले डेट डाल दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, डेट है 1/9 की, डेट बदलते हैं यहाँ 1/9 बदलता हूँ, F2 से डेट बदलते हैं 1/9, देखिए आ चुका हूँ 1/9, बिल नंबर डालता हूँ, तो बिल नंबर ये रही बिल नंबर, देखिए कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं बिल नंबर डाल दिया, देखिए एंटर करते हैं, पार्टी का नाम टीवेशन कंपनी, और आइटम देख रहे हैं यहाँ पर, ये कीबोर्ड है 15 पीस कीबोर्ड देख रहे हैं यहाँ पर की है, एंटर करिएगा, चलान 1 और चलान 2, ये दोनों चलान यहाँ दिख रहा है, चलान एक उठा लेते हैं और उसका डालते हैं वैल्यू उन्होंने डाला 750 का, तो 750 रेट हो गया, एंटर कर लीजिएगा, फिर एंटर करिएगा, चलान नंबर 2 उठाना है, क्योंकि दोनों का बिल एक ही दिया है,
चला नंबर दो उठाना है, 5 पीस 750, 15 पीस हमारे यहाँ पर उठ चुके हैं। फिर इसके बाद लोकल परचेज है, लोकल परचेज में अगर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो कर दीजिए, क्योंकि जीएसटी ऑन किया है। मॉडिफिकेशन करने का मतलब है, अच्छा एक बात और, ये जो पार्टी का जो हमने बनाया था क्रिएटर, उसमें भी थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दीजिए। तो मॉडिफिकेशन करने के लिए आपको पता है कंट्रोल एंटर से जाते हैं और चेक कर लेते हैं इसका दिल्ली है कि नहीं, लोकल है, रेगुलर आ गया, जीएसटी नंबर है तो डाल सकते हैं यहाँ पर। फिलहाल मैं लेके निकल रहा हूँ बिना किसी जीएसटी नंबर का, कर रहे हैं एंटर कर लिया। तो पहले मॉडिफिकेशन हमने देख लिया, दूसरा आइटम तो चल ही रहा है, सबको दिक्कत है ही नहीं है सर। इसके बाद मॉडिफिकेशन है परचेज को देख लेते हैं कंट्रोल एंटर करके। कंट्रोल एंटर करा, लोकल परचेज सब कुछ वही है, यहाँ पर जीएसटी अप्लीकेबल करना है। देखिए यहाँ बंद हो रखा था तो मैं अप्लीकेबल करूंगा और इसके अंदर जाऊंगा नहीं। इसके अंदर क्यों नहीं जाऊंगा, क्योंकि आइटम के अंदर सेट कर देंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं, इसलिए इसको नो कर दीजिए। यहाँ सर्विस उठा हुआ था उसको गुड्स कर लीजिए। तो ये मॉडिफिकेशन मुझे करना पड़ रहा है, वजह क्या है कि अब बिल आ गया है तो पता चला कि भाई साहब ने जीएसटी लगा दिया है, तो इसलिए मुझे ऑन करना पड़ा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर नॉर्मली मैसेज आता था कि आपका लोकल परचेज है या इंटरस्टेट परचेज है, वो नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि सेटिंग में गड़बड़ है कहीं ना कहीं। सेटिंग देखने के लिए अब बाहर आइए और कीबोर्ड के अंदर सेटिंग करता हूँ। कीबोर्ड के अंदर भी सेटिंग बाकी है तो कीबोर्ड के अंदर यस करिए। जाने के बाद इसके बाद एंटर करके ऑन वैल्यू टैक्सेबल कर दीजिए, रेट डाल दीजिए। अब देखता हूँ कि जीएसटी का रेट उसने क्या लगाया, उसने 12% लगाया तो 12% डाल दीजिए, यानी कि आपको आइटम में सेटिंग कर दिया। करने के बाद निकल जाइए, यहाँ पर निकल गए। अब देखते हैं कि ये प्रॉब्लम सोल्व हुआ है या नहीं हुआ है। अगर सोल्व नहीं हुआ, अब देखिए सोल्व हो गया, देख रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पर परचेज टैक्सेबल दिखना अनिवार्य है या इंटरेस्टेड परचेज टैक्सेबल दिखना अनिवार्य है, अदरवाइज कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, पंगा है। जबरदस्ती मत करके एंट्री निकलना, आप देखो उसको ठीक करो। तो आपने देखा कि कहां से ठीक हो गया, अगर प्रॉपर सेटिंग ठीक है, क्रिएटर में ठीक है, कीबोर्ड में ठीक है, परचेज की लेजर में ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं पंगा है, उसको पहले ठीक करो। तो चलिए आपने देख लिया, ठीक कर लिया, एंटर कर लेते हैं। इसके बाद इस लाइन के नीचे आपको आना है और आने के बाद क्या लगाना है, जीएसटी। तो ऑल्ट सी करता हूँ, सी जीएसटी। इनपुट, माल खरीदने में हम इस्तेमाल करते हैं इनपुट, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर जीएसटी, सी जीएसटी मतलब सेंट्रल टैक्स, लेके निकल जाते हैं। रेट डालना नहीं मेरे को, निकल गए। अपने आप देखिए उठा लिया, देन फिर एस जीएसटी, इनपुट, ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी, स्टेट टैक्स, लेकर मैं निकल चुका हूँ। तो इस तरह से आप देख रहे हैं परचेज की एंट्री हो चुका है। अब परचेज की एंट्री हुआ है तब जाकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखना चालू हो जाएगा। तो मैं आपको रिपोर्ट भी लिखते चला जाता हूँ। देखिए F9 गए, अब मैं लिखता हूँ रिपोर्ट। रिपोर्ट पहले रिपोर्ट तो गेटवे ऑफ टेली में आइएगा और आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना है। तो पहले चलते हैं, यह देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, अब देख रहे हैं, डिटेल खोल लीजिए। यहाँ पर देखिए परचेज आ गया ना 11,250 रुपये, आराम से दिखना चालू हो गया। और कहाँ कहाँ हुआ होगा, और ये जो देख रहे हैं ये जो बिल पेंडिंग था बना हुआ डिस्प्ले, इसको जरा दिखाता हूँ आपको। ये जो बिल पेंडिंग था, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी बिल पेंडिंग था, वो जीरो हो जाना चाहिए, जीरो, क्योंकि उसका बिल तो बन गया। तो वो भी चेक कर लेते हैं कि जीरो हुआ कि नहीं हुआ। डिस्प्ले में आएंगे, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंटरी में आएंगे और यहाँ परचेज बिल पेंडिंग में आएंगे। देखिए परचेज बिल पेंडिंग में आएंगे और चेक करेंगे, ये बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है, मतलब जीरो। अब जीरो है या नहीं है इसको टेस्टिंग करने के लिए F12 प्रेस करता हूं मैं और यहाँ पर लिखा होगा सो, देखिए क्लियर्ड परचेज बिल, यहाँ देखिए सो क्लियर्ड परचेज बिल को यस करेंगे तो आपका वही उसी तरीके से कुछ डेटा दिखाएगा कि भाई साहब 10-10 पीस का इनिशियल क्वांटिटी थी लेकिन पेंडिंग क्वांटिटी कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है सबका बिल आ चुका है। ये रिपोर्ट देखना अनिवार्य है। तो यहां तक मैंने आपको बताया, तो स्टेप बाय चलते हैं। फिर से याद दिला देता हूँ कि आपने सीखा कि टैली के अंदर पीओ कैसे प्लेस करते हैं, ऑर्डर कैसे देते हैं, माल कैसे लेते हैं और बिलिंग कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप। और प्लस में ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ रहा है, माल आ रहा है, ऑर्डर खत्म हो रहे हैं और चलान जैसे जैसे हमारे पास आ रहा है वैसे वैसे पेंडिंग चलान खत्म होकर बिल में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये ऑटोमेटिकली ये सब हो जाता है सिस्टम के अंदर और रिपोर्ट आपको देखना होता है। अब अगली बात हो सकती है कि कुछ माल हमें इसमें से पसंद नहीं पड़ रहा हो तो हम इसे वापस भी कर सकते हैं, पर्ची रिटर्न। तो देखते हैं अगला क्या हमें देता है टास्क, उसके हिसाब से देखता हूँ। अगला टास्क नंबर 5 की देखिए, 5 के टास्क में
मुझे कुछ और दे दिया है, क्या दिया है काम करने के लिए, कि 10 पीस माउस खरीदे हैं हमने, हमारी कंपनी 10 पीस माउस बेचने के लिए खरीदा है, गुड्स हमारा, उसका ग्रुप रखा है हार्डवेयर कैटेगरी इनपुट आउटपुट 230 रुपया, IGST, अच्छा TC लिमिटेड से खरीदा है IGST लगा करके, जो कि यूपी में होगा, सिंपल कहीं भी मान लीजिए, और 2 पीस एक सैंपल मिला है एंड गेट अनदर 2 पीस एज अ फ्री सैंपल ऑन 1 सितंबर 2020। यानी 10 पीस माउस खरीदा, माउस खरीदने पे 2 पीस एक्स्ट्रा सैंपल मिला है मुझे, और इसके लिए माउस खरीदने के लिए मुझे कोई ऑर्डर नहीं देना पड़ा, जैसे कैसे देखा आपने कीबोर्ड में ऊपर ऑर्डर दिया, माल आया, बिल आया, नहीं नहीं डायरेक्टली माल आया, जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हैं दुकान में तो आप थोड़ी पहले ऑर्डर फोन पे करते हो कि हाँ जी साहब हम आ रहे हैं, ठीक है, वहां से फिर माल भेजता है, ऐसा तो होता नहीं है, जाते हैं सामान लिया पैसे दिया काम खत्म, या उधारी भी रखना है जी कल देंगे तो कोई बात नहीं सामान लेकर आ जाओ बिल दे दिया आपको, सेम ऐसे ही, यानी कि ये डायरेक्ट परचेज है। तो देखते हैं कि डायरेक्ट परचेज पर क्या होता है, स्टेप लिखता हूं, मतलब बीच में एक घुसाया गया है उस स्टेप को आगे बढ़ाने के लिए, तो पांचवा ये मैं लिखता हूं डायरेक्ट परचेज। परचेज डायरेक्ट परचेज का मतलब है विदाउट पीओ, मतलब पीओ नहीं डाल रहे हैं, एंड चलान, ना चलान का इस्तेमाल होगा, CHALAN, ना चलान का इस्तेमाल हो रहा है, ना ही परचेज ऑर्डर यहां से हम डाल रहे हैं, डायरेक्ट परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट परचेज करेंगे तो मुझे करना क्या है, सिंपल आप F9 में चले जाइए, सिंपल F9 में यानी परचेज में, कुछ डायरेक्ट परचेज कर रहा हूं मैं, तो आइए चलते हैं डायरेक्ट F9 में। आपको पता है अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, F9 मिल जाएगा, परचेज हमारी। यहां जाने के बाद अब जो सैंपल दिया गया है फ्री का, दो जैसे आप देख सकते हैं 2 पीसेस फ्री सैंपल दिया गया है, उसी के लिए ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा। अच्छा तो मैं पहले लिखता हूं यहां पर, यहां देखिए, मतलब बीच में बात आ गई तो मैं लिखना पड़ा फॉर सैंपल या फ्री सैंपल, फ्री सैंपल यानी फ्री दिया गया। इसके लिए A11 में जाइएगा, F2 में जाइएगा यहाँ पर, तो आपको ऑप्शन मिलेगा। तो चलिए A11, देखिए A11 ऐसा फीचर्स है, आप कोई भी विंडो खुला हो, कुछ भी विंडो खुला हुआ है फर्क नहीं पड़ता है, चाहे गेट ऑफ टैली में है, चाहे परचेज की है, चाहे कुछ भी खुला हुआ है, A11 अगर दिख रहा है तो आपका विंडो में कलरफुल मतलब आइटम वो ऑप्शन चेंज नहीं होता है। लेकिन यही अगर F12 खोलेंगे ना, F12 की ऑप्शन खोलेंगे, F12 की, तो हर विंडो के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है, इसमें कुछ और दिखेगा, उसमें कुछ और दिखेगा, तो इसको ध्यान रखिए। F11 स्थिर है भाई, कॉन्स्टेंट है, हर जगह पे एक ही जैसा खुलता है, बस F1 F2 आप करते रहिए। तो F2 दबाया, F2 दबाने के बाद मुझे क्या करना है, सैंपल वाली करनी है। तो सैंपल देखिए यहाँ पर होता है, यहाँ देखिए, यूज सेपरेट एक्चुअल बिल क्वांटिटी को यस करना, सैंपल के नाम से नहीं आता है, सेपरेट एक्चुअल बिल क्वांटिटी के नाम से आएगा, उसको यस करेंगे। तो लिख देता हूं आप, सेपरेट एक्चुअल बिल क्वांटिटी को मैं यस करूंगा, देखिए तो मैं इसको यस करूंगा। करने के बाद इसको निकल जाइए, लेकर के निकल जाइए। अब होता क्या है, इसको करने के बाद यहाँ 2 टाइप का विंडोज बन जाएगा, यानी कॉलम बन जाएंगे, अब इसी में मेरे को काम करना है। तो अब चलते हैं काम करते हैं, यहाँ आइए, पहले बात तो डेट का देख लेते हैं, क्या पंगा है, 1 सितंबर है, 1 सितंबर है, यहाँ भी डेट 1 सितंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बिल नंबर पूछ रहा है, बिल नंबर डाल देता हूं मैं, ये देखिए बिल नंबर है, मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से और ऑल्ट कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, एंटर करा, एंटर करा। पार्टी का नाम, तो पार्टी का नाम है मेरा TC लिमिटेड, देखिए यहाँ पर नहीं है, बनाते हैं TC लिमिटेड, अंडर द ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर, कर लिया कर लिया कर लिया, एंटर करके निकल चुका हूँ। अब देखिएगा लगाया है IGST, तो IGST इंडिया दिल्ली, उत्तर प्रदेश मैं मान लेता हूँ, दूसरे राज्य में, उत्तर प्रदेश ले लिया है। अब उसका GST नंबर होगा डाल देना, अदरवाइज आप लेकर निकल जाइए, फिलहाल तो मैं लेकर निकल चुका हूँ। आइटम माउस बनाना है, माउस तो है नहीं, Alt-C MOUSE माउस, इसका ग्रुप वगैरह पूछ रहा है हार्डवेयर, और ये पूछ रहा है कैटेगरी इनपुट आउटपुट, और ये पीसेस, ये सब लिखा हुआ है इसके अंदर, हार्डवेयर ग्रुप है, कैटेगरी इनपुट आउटपुट है, और पीसेस से मिलता है, तो हमने उसी के हिसाब से कर लिया। GST सेटिंग करता हूँ आइटम में, उसको यस करेंगे, करने के बाद आपको ऑन वैल्यूज टैक्सेबल और डालते हैं GST का रेट, तो GST रेट इसमें भी 12% लगा कर दिया मेरे को, इसका भी डालता हूँ 12% करके मैं निकल चुका हूँ। लीजिए भाई आ गया, यहाँ आइए, ट्रैकिंग नंबर पूछ रहा है, ट्रैकिंग बोले तो चलान नंबर, मैंने बोला भाई
चलान के बिना ही माल आ रहा है ना, विदाउट पीओ एंड चलान आ रहा है, तो भाई विदाउट पीओ चलाना है तो चलान के पीछे क्यों पड़ते हो? आपको करना है नॉट अप्लीकेबल। यहीं पर मैक्सिमम लोग फंसते हैं। वो क्या होता है, सी मतलब होते हैं ना, सुर में आ रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, ठोक के निकल गए। अरे यार ऐसा मत करो, ट्रैक के नंबर पे ध्यान रखो कि आपको करना है नॉट अप्लीकेबल, क्योंकि ये माल डायरेक्ट परचेज हो रहा है, कोई चलान के माध्यम से नहीं आया था कि हम कुछ करें, इसलिए ध्यान रखिएगा यहाँ पर, करिएगा नॉट अप्लीकेबल। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि आपको यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर को नॉट लिखकर करना है, ट्रैकिंग नंबर, या मैं लिखता भी नहीं हूँ क्योंकि लिखने से क्या होगा आपको याद रहेगा, ऐसे करेंगे फंसेंगे, फंसने के बाद खुद ही पता चलेगा कि क्या हो गया, छोड़ो लिखता नहीं हूँ। या गोडाउन, अब स्पेस लगाता हूँ और आप देखते हैं कि माल कहाँ रखना है, तो देखते हैं भाई कहाँ रखना है, नेहरू प्लेस में रखना है भाई, नेहरू प्लेस में रख लेते हैं, ये लिखिए नेहरू प्लेस है। अब यहाँ पर दो कॉलम है, वही जो दो कॉलम ऑन किया था मैंने, एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी। देखिए दो सैंपल फ्री दिया तो देखा जाए तो एक्चुअल तो मेरे पास 12 आ रहा है और बिलिंग 10 की हो रही है, क्योंकि पैसे तो 10 का ही लेगा ना, दो तो फ्री दे रहा है, तो मतलब मेरे पास क्वांटिटी बढ़ेगी 12 गोडाउन में, बट पैसे लेंगे 10, बिलिंग होगी 10 की। रेट 230 का भाव उसने लगाया है, देखो 230 रुपए का रेट लगाया होगा और प्लस जीएसटी, तो 230 का भाव लगा दिया, एंटर कर लिया, करके मैं निकल चुका हूँ। यहाँ पर पूछेगा परचेज, तो लोकल परचेज बना लीजिए, बस लोकल परचेज तो ऑलरेडी बना हुआ है, बनाना क्या है वो तो बनाइए। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट दिखेगा कि भाई ये परचेजिंग बाहर से हो रही है, क्योंकि हमने एड्रेस डाला था यूपी का, इस वजह से एंटर कर लेंगे। इस लाइन के नीचे आना है, इस लाइन के नीचे आकर के मुझे लगाना है आई जीएसटी इनपुट ड्यूटी इन टैक्सेस का, जीएसटी आई जीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स लेके निकल जाइए, दैट्स ऑल। ये देखिए परचेज बिल, न्यू रेफरेंस हमेशा उठाएंगे क्योंकि नया बिल बन रहा है, तो लेकर के निकल जाइए, दैट्स ऑल, खत्म हो गया, निकल गया। अब इतना होने के बाद जब कर लेंगे तो आपको रिपोर्ट देखना बनता है, तो मैं देखता हूँ क्या क्या लिखा है। F11 F2 में सेपरेट कॉलम एक्सक्लूड यस किया है, इसके बाद रिपोर्ट देख लो। रिपोर्ट, रिपोर्ट में भाई एक ही चीज होगी, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि इसके अंदर कोई रिपोर्ट, पीओ का रिपोर्ट, चलान का रिपोर्ट तो कोई मतलब बनता नहीं ना। बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं, डिटेल खोल देते हैं यहाँ पर, तो डिटेल खोलेंगे तो आपकी 13,550 रुपये का माल यहाँ पर आपको दिख रहा है माउस के साथ, पहले कम था अभी ज्यादा दिख रहा है, इस तरीके से आप यहाँ पर आप देख रहे हैं। होने के बाद आप इसे बाहर निकलते हैं, यहाँ पर आइए। अब अगले नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ, जो जो मेन मेन पॉइंट्स है उसको बोल्ड बोल्ड कर दे रहे हैं हम यहाँ पे, रोल बी कंट्रोल बी कंट्रोल बी, ये डायरेक्ट है डी आई आर शीट, ऐसा थोड़ी बहुत देख लेना क्योंकि वो लिखने के चक्कर में फास्ट हो जाता है, डायरेक्ट परचेजिंग भी। चलिए अभी तक हम लोगों ने यहां तक सीखा कि पीओ डालना, माल लेना, बिलिंग करना और डायरेक्ट बिलिंग आना यानी डायरेक्ट परचेज करना, और उसमें अगर फ्री सैंपल मिलता है तो क्या करना। अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि अगर रिटर्न करना हो यानी कुछ माल हमें पसंद नहीं है वापस करना है तो क्या करेंगे। तो रिटर्न 5 पीसेस कीबोर्ड, कीबोर्ड वापस करना है, करेंगे 5 पीसेस जो हमने ऊपर खरीदा था ना, 15 पीसेस उनमें से 5 पीसेस। तो अगला जो सीरीज है वो बढ़ाता हूँ 6 नंबर पे, और मैं उसी स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर कि परचेज रिटर्न, देखिए जब हम रिटर्न करते हैं तो उसके लिए इशू करते हैं डेबिट नोट। अब डेबिट नोट हाईलाइटेड नहीं होता है तो F11 में, F1 या F2 में जा करके आप कहीं भी कर सकते हैं, डेबिट नोट को ऑन कर सकते हैं, यस करा सकते हैं, ठीक है। डेबिट नोट यस कराइएगा एंड इनवाइस को भी यस करिएगा, इनवाइस को भी यस करिएगा। ये दो ऑप्शन कहाँ मिलेगा दिखाता हूँ आपको, यानी आपको F11 माना है, F2 माना है, या F1 माइए कहीं भी आइए, और उधर से आपको डेबिट नोट दिखेगा, यूज डेबिट नोट क्रेडिट नोट, तो डेबिट नोट समझिए अभी यस करेंगे, और इनवाइस मोड देख रहे हैं, दोनों को यस कर दीजिए, यानी क्रेडिट नोट होता है सेल्स रिटर्न के लिए और डेबिट नोट होता है परचेज रिटर्न के लिए। तो मैंने दोनों को यस करा के बाहर निकल गया, बस आप उसको ऑन करा दीजिए, फिर गेट ऑफ टेलीम आ जाइए, फिर अकाउंटिंग वाउचर के अंदर आए, अकाउंटिंग वाउचर, और वहां पर डेबिट नोट आप उठा लें, ठीक है। तो आप बाहर आ रहा हूँ, गेट ऑफ टेली, अकाउंटिंग वाउचर, फिर डेबिट नोट, देखिए यहाँ मिल रहा है,
दो बार लिखा हुआ है नीचे अंडरस्कोर, कंट्रोल के साथ काम करेगा। एक बार ऑल्ट के साथ, दो लिखे हैं तो कंट्रोल के साथ, नहीं लिखा है तो सिंपल काम करेगा। तो मैं इसको ले लिया, यहां देखिए डेबिट नोट आ गया, देख रहे हैं। अब डेबिट नोट आ गया तो डेबिट नोट तो मैं भेज रहा हूं यहां से, मतलब माल मेरे को पसंद नहीं है तो मैं भेज रहा हूं ना। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मेरे तरफ से जो बिल बनेगा या डॉक्यूमेंट्स नंबर तय होंगे, ये डॉक्यूमेंट भेज रहा हूं मैं, उसकी जिक्र टॉप में होगा यहां पर, यहां पर। अब यहां पर तो जा ही नहीं रहा है। देखो अगर डेबिट नंबर एक है तो चलेगा, बट डेबिट नोट नंबर एक शायद नहीं होगा, मैं देखता हूं। डेबिट नोट नंबर, जो डेबिट नोट नंबर है वो मैंने अलग रखा है, टीवीएस ऑब्लिक 008 माइनस समथिंग समथिंग, ऐसा नया कुछ रखा है, वो तो आएगा नहीं। तो हमें इसको मैनुअल करना पड़ेगा, मतलब इस नंबर को करना पड़ेगा मैनुअल, इसको बोलते हैं वाउचर नंबर को करना पड़ेगा मैनुअल। तो अभी सीखते हैं थोड़ी देर में, इसमें नीचे लिखता हूं यहां पर कि मैनुअल वाउचर नंबर, ये कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि यहीं पर, जहां पर भी आपको मैनुअल वाउचर नंबर इस्तेमाल करना हो कर सकते हैं। गेट ऑफ टेलीम आना है आपको, इसके लिए अकाउंट्स इन्फॉर्म आना है, वाउचर टाइप में, वाउचर टाइप में आना है, देखिए, और ऑल्टर माना है, ऑल्टर माना है, डेबिट नोट में आना है। देखिए गेट ऑफ टैली माना है तो गेट ऑफ टैली आता हूं पहले, फिर अकाउंट्स इन्फो या इन्वेंटरी इन्फो कहीं आइए, अकाउंट्स इन्फो आना है, वाउचर टाइप आना है, देखिए अकाउंट्स इन्फो वाउचर टाइप आना है, मैं आ चुका हूं। यहाँ ऑल्टर आना है, मैं आ चुका हूँ, देखिए यहाँ पर ऑल्टर आ चुका हूँ। यहाँ डेबिट नोट है तो डेबिट नोट लगा दिया मैंने, ये डेबिट नोट, देखिए डेबिट नोट है, उठा लिया। इसमें आने के बाद आप यहाँ जो देख रहे हैं मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक देख रहे हैं, उसको मैं करूंगा मैनुअल, मैनुअल अब हाथ से लिखने के लिए आ जाएगा, अभी तो ऑटोमेटिक था, मैनुअल करेंगे तो ध्यान रखिएगा प्रिवेंट डुप्लीकेट्स को भी पक्का यस कर देना, यानी मैनुअल के साथ इसको यस करना है। क्यों करना है? ताकि हो सकता है एक ही नंबर बार बार अगर इस्तेमाल गलती से हो रहा हो तो बता देगा कि ये डुप्लीकेट चल रहा है, पहली बार इस्तेमाल हो चुका है, तो आप इसको यस कर दीजिएगा, करने के बाद निकल जाइए बाहर, दैट्स ऑल, ये अब सेटिंग हो चुका है। अब सेटिंग के बाद मैं चलता हूं यहां पर अकाउंटिंग वाउचर के अंदर और डेबिट नोट में, ये डेबिट नोट ऑलरेडी लगा हुआ, देखिए अब ये नंबर बदल गया, देख रहे हैं ऊपर आने लगा, ऊपर आने लगा। तो चलते हैं नंबर डालते हैं हम, नंबर ये रहा नंबर, तो मैं इसको कॉपी करूंगा कंट्रोल सी, और आते हैं यहाँ पर टैली में और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, एंटर करते हैं। अब पूछ रहा है कि ये जो माल आप मतलब वापस कर रहे हो, इसके इनवॉइस नंबर ओरिजिनल क्या था, पहले वाला क्या था? तो मुझे पता नहीं है, तो वैसे तो बिल पर हमारा होगा तो बिल हम देख लेंगे, लेकिन अभी तो खैर नहीं मालूम, तो मैं यहाँ देख लेते हैं कि जो बिल नंबर आया था वो बिल नंबर था ये वाला बिल नंबर, ये देखिए ये था बिल नंबर, ये वाला, ये ओरिजिनल बिल नंबर है, इसी का तो माल वापस कर रहा हूं ना, ये बिल नंबर यहाँ पर चिपका देंगे वहां पर, देखिए तो ओरिजिनल बिल नंबर ये था, उसकी डेट क्या थी उस बिल नंबर की, उस बिल नंबर की, अभी माल वापस कर रहे हैं उसका छोड़ो, माल वापस कर रहे हैं 2-9 को, लेकिन वो बिल नंबर था 1-9 की, 1-9 की डेट थी, ठीक है। और यहाँ पर डेट बदलते हैं हम, तो हम अब जो वापस कर रहे हैं वो वापस कर रहे हैं 2-9 की, तो 2-9 डाल दीजिए, तो देखिए वापस 2-9 की हो रही है, ओरिजिनल बिल नंबर ये था और उसका बिल की डेट ये थी, तो हमने इसको चेंज कर दिया। पार्टी का नाम टीवीएस, उसी को माल वापस कर रहा हूँ, कीबोर्ड वापस कर रहा हूँ, देखिए यहाँ 15 पीस स्टॉक में दिख रहा है, वापस कर रहा हूँ। अब एक चीज और ध्यान रखिए, यहाँ ट्रैकिंग नहीं उठाना है, बता देता हूँ क्यों, क्योंकि देखो ट्रैकिंग का नंबर होता चलान, तो वो जो चलान का लेन देन था उधर से आ रहा था वो तो कंप्लीट हो गया, अब ये नया सिलसिला चालू हो चुका है, मैं यहाँ से वापस कर रहा हूँ, तो अगर मैं सिर्फ चलान से माल दे रहा हूँ तब चलान को ऑन करना था, मतलब लेना था, जब चलान नहीं से करें डायरेक्टली डेबिट नोट और माल लोड किया भिजवा रहे हैं तो आपको जरूरत नहीं है, आपको सिंपल नॉट एप्लीकेबल करना है, यहाँ चलान नहीं उठाना है, ध्यान रखिएगा। और ऑर्डर तो ऑलरेडी जीरो हो चुका पहले, इसको गोडाउन के स्पेस लगाएंगे तो पता चलेगा माल कहाँ पड़ा हुआ है, नहीं रिप्लेसमेंट, एंटर कर लीजिए यहाँ पर। अब ये एक्चुअल बिल है ना, ये परेशान करेगा बार बार, समय आएगा तो आप इसको बंद कर सकते हो, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पांच पीस लिखोगे समय आ जाएगा, क्योंकि मैं 5 पीस ही वापस कर रहा हूँ, देखो यहाँ 5 पीस रिटर्न जा रही है, तो 5-5 लिखिएगा, 750 का आइटम है वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। पर्ची उठा लीजिए, इसके बाद एंटर कर लीजिए, यहाँ पर जीएसटी भी एडजस्ट करना पड़ेगा, तो CGST या GST एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि माल वापस जा रहा है तो आपका स्टॉक भी यहाँ पूछेगा, तो आप डाल सकते हैं, यानी कि जब माल वापस जाता है तो GST भी एडजस्टमेंट की जाती है, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर आइए,
यहाँ चार ऑप्शन है। अब जो हम माल वापस कर रहे हैं किस बिल के अगेंस्ट कर रहे हैं, नया तो कुछ है नहीं भाई, किसी बिल के अगेंस्ट कर रहे हैं तो अगेंस्ट रेफरेंस ही उठाना है आपको, और ये आपको दिखेगा, दिखने के बाद एंटर कर लीजिएगा। 4200 रुपए का माल हम वापस कर रहे हैं, एंटर कर लीजिए। अब ये कंप्लीट हो गया, मतलब माल रिटर्न चली गई। अब लास्ट स्टेप हमारा है कि फुल फाइनल ड्यूज हम इसको पेड कर रहे हैं, तो सिंपल पेमेंट में करेंगे। ये काम तो मेरा भाई हो गया, ये देखिए इसका रिपोर्ट क्या देखना होगा। रिपोर्ट में आप इसको देखिएगा पीएल अकाउंट, क्योंकि वहां पर हमारा कम हो जाएगा, मतलब यहाँ देखिए पीएल देखिए, स्टॉक समरी चेक करिए, ये सब आपका रिपोर्ट है। यहाँ तो मैं बाहर आता हूँ, बाहर आते हैं यहाँ पर, और यहाँ देखिए पीएल चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर पीएल चेक करा यहाँ पे, तो पर्चेज देखिए कम हो गया, 9800 का परचेज हो गया। अंदर घुसेंगे तो ही पता लग जाएगा, 13550 की परचेज थी, 3750 की वापसी हो गई, 9800 हो गया। ठीक है, तो स्टॉक समरी भी चेक कर सकते हैं। देखिए स्टॉक समरी की, कीबोर्ड का स्टॉक समरी चेक कराता हूँ। ये देखिए कीबोर्ड है, पहले 15 था अब 10 पीस है। अब मैं आ रहा हूँ पेमेंट करने के लिए, तो पेमेंट तो भाई पेमेंट मोड में होता है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं आपको, तो चलिए मैं अब लिख भी देता हूँ। जो अगला हमारा है पेमेंट, पेमेंट टू वेंडर, तो आइए पेमेंट टू वेंडर करते हैं। यहाँ पे बाहर आते हैं, अकाउंटिंग वाउचर F9 और सॉरी F5, पेमेंट हो गया। अपडेट देख लेते हैं कब की पेमेंट हम कर रहे हैं, यहाँ पे 2/9 की पेमेंट कर रहा हूँ। तो पेमेंट हम करेंगे किसको, तो टीवीएस कंपनी को, टीवीएस उठा लेंगे। देखिए उसका बैलेंस 8400 दिख रहा है, पूरा खत्म करना है 8400 अगेंस्ट रेफरेंस, बिल के अगेंस्ट, एक ही बिल था उसमें माल वापस भी आ गया। फिर पहले डिस्काउंट का बनाएंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड। क्यों डिस्काउंट बनाऊंगा, क्योंकि उसने 5% डिस्काउंट दिया है इसमें, देखिए। तो ऑल्ट सी इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, और 8400 का होता है 5% जो कि 420 रुपये होता है। बट ये क्या हो रहा है, शासक पूछ रहा है कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट एंटर, कहा ना लेजर में ऑटोमेटिक आ जाता है भाई। तो वापस आकर के इसके अंदर घुसो, कंट्रोल एंटर करो और इसको कॉस्ट एंटर को बंद करो, और कोई उपाय नहीं है इसका। तो 420 रुपये डाल दीजिए, फिर आप कैश के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद पार्टी का जो बैलेंस है वो जीरो हो जाएगा। चेक करने के लिए डिस्प्ले के अंदर, अकाउंट बुक्स के अंदर, लेजर में जाकर के टीवीएस कंपनी देख रहे हैं, उसका बैलेंस यहाँ पर जीरो हो गया। पूरे इतिहास बता दिया कि 12600 की परचेज थी, 4200 रुपये का आपने माल वापस किया, 8400 रुपये आपने पेमेंट कर दी, बैलेंस आपका जीरो हो गया। तो इसकी रिपोर्ट मैं दिखा देता हूँ, पेमेंट टू वेंडर। आपको F5 में तो जाना ही जाना है, रिपोर्ट आपको डिस्प्ले के बाद अकाउंट बुक्स था, इसके बाद लेजर में जाकर के आप उसका चेक कर सकते हो कि क्या बैलेंस चल रहा था। तो ये कहानी थी सेशन नंबर 4। अब देखिए जो नए हैं बिल्कुल, उनको तो बड़ा स्टेप उथल पुथल लगा होगा, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, और बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो अब देखिए अब रिकॉर्ड हो ही रहा है, अब रिकॉर्डिंग के बिना, अभी तो बहुत अच्छा हो गया कि रिकॉर्डिंग हो रहा है, अदरवाइज क्लासरूम में यही होता था, बहुत पंगे होते थे पुराने कैंडिडेट्स अगर हम पूछे तो, इसी को करने के लिए 2 बार 4 बार गलतियां 50 बार। अभी गलती हो भी जाएगा तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग चेक कर लो, स्टेप चेक कर लो, तो आराम से यहाँ पर देख सकते हैं। मुझे लगता है कि 1-2 बार 3 बार करेंगे ना, एक्यूरेसी 100% आ जाएगा। ठीक है, फिर भी लगता है कि किसी स्टेप को रिपीट करना है तो आप बताइए, मैं आज रिपीट करता हूँ, अदरवाइज एक बार करिए कल परसों, बहुत समय 2 दिन का समय है, फिर दिक्कत आएगी तो मैं बात करूंगा। ठीक है ना, कुछ पूछना है क्या? नहीं, और अगर अगर किसी के पास फिर भी रिकॉर्डिंग नहीं जा रहा है, जैसे नए नए भी ऐड हो रहे हैं, तो अपने ईमेल आईडी भेजिएगा तो हम ऐड करेंगे। आप सोचेंगे मेरे पास ईमेल आईडी आपका है, आपने पहले दिया था 4 महीना पहले 5 महीना पहले, वो याद नहीं रहता भाई, तो अभी का अभी भेजेंगे तो भी मैं ऐड करूंगा, अदरवाइज ऐड नहीं कर पाऊंगा। ठीक है ना, रखता हूँ, फिर मैं एंड करता हूँ।